आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि वसीम भाई आपका ऑलरेडी बहुत प्यारा घर बना हुआ है, बहुत बड़ा घर बना हुआ है, तो आप न्यू घर किस लिए बनवा रहे हैं? न्यू घर बनाने का सोचा है तो मैं आप लोगों को वजह बताता हूँ। माशाल्लाह मैं भी प्यारा हूँ, मेरा घर भी प्यारा है। आप तो प्यारे नहीं हो। हाँ मैं नहीं हूँ प्यारा, बाकी नहीं हूँ, घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। वो तो जो आप लड़की पसंद कर रहे हैं ना वो कहेगी कि आप प्यारे हो या नहीं, उसे पता होगा। मैंने पसंद की नहीं है, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। काम चेक करें भाई, इधर तो काम बाप लगा, चलो आए चले घर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो मौसम आज जी बहुत ही कूल बना हुआ है, ठंडा ठंडा मौसम बना हुआ है। सुबह सुबह आप ही आई थी, आप ही को मैंने बोला है कि मैं न्यू ड्रेस लेकर आया हूँ तीन चार, तो आप ही को पता नहीं था। तो आप ही को मैंने बोला तीन चार मैं न्यू ड्रेस तो लेकर आया हूँ, जो पहले वाले पड़े थे आपने पता नहीं कहाँ छुपा दिए, तो वो तो मुझे प्रेस करके थे। तो वो मैंने दो ड्रेस पहने हैं, तो तीसरा जो है ना वो मैंने पहना नहीं है, वैसे पड़ा हुआ है। तो आप ही ने ये ड्रेस मुझे इस्त्री करके दिया है, प्रेस करके दिया है। तो आप ही चली गई है, उनकी ना पता नहीं कोई घर में मसला हो गया था तो उधर, तो ये मुझे मिल नहीं रहा था। तो अम्मी को मैंने बोला है कि मुझे ढूंढ के दे, अम्मी ने ढूंढ के दिया है जी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसम आजकल कैसे बना हुआ है। स्मोग आई है, उसके बाद जो है ना मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा बन गया है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, मौसम एकदम से चेंज हुआ है जी। हालांकि 8-10 दिन पहले जब ये मैं मट्टी डलवा रहा था उस दिन भी धूप निकली हुई थी काफ़ी, ठीक है, लेकिन ये तो 3 दिन हो गए हैं अभी मौसम बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखें जी, हमारे गांव का वेदर तो वैसे माशाल्लाह बहुत प्यारा आता है, आपको पता है मौसम जब ऐसा बन जाए तो व्यू हमारे गाँव का बहुत ही अच्छा होता है। सलीम भाई ने यहाँ पर भेड़े बांध दिए, ये कोई सामान रख के गया है यहाँ पर, लेकिन मैं खोलता तो नहीं हूँ लोगों की चीज़ें, लेकिन मैं चेक करता हूँ ये है क्या। मेरे ख्याल से कपड़े होंगे, ऐसे देख लेते हैं यहाँ से। हाँ जी ये तो ड्रेस है यार, ये किसी लेडीज़ का ड्रेस पड़ा हुआ है। ये क्या, ये देखिए जी, अम्मी जान के, पता नहीं अम्मी जान के हैं किसी के। एक मिनट में ले जाता हूँ, पूछता हूँ इसे किसके हैं, क्योंकि ये मेरे घर में मेरे घर में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। ए अम्मा कपड़े क्यों इधर इधर, पता नहीं चेक कर रखे मैं, ये तो मेरे घर पे हैं बारू कहते हैं, हैं मेरे बरामदे पे थे। लेकिन जी सारे घर वाले अभी चले गए हैं शादी पे, हमारे घर के नज़दीक ही हमसाए हैं, उनकी शादी है, तो बस मैं ही रह गया, बस मैं भी अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो इमरान भाई भी आए हुए हैं, बाइक पे जाता हूँ, एक तो बाइक की हालत बड़ी ख़राब हुई खड़ी है, मैंने वॉश नहीं कराया। अच्छा भाई उस्मान आज बाहर खेतों में आया हुआ है, ठीक है, और इसकी बातें सुने, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? बीबी घर गई, पेट का क्या बना है, पेट का आराम ठीक है, अच्छा पेट आराम, पेट का दर्द आराम ठीक है भाई, पेट का दर्द हो गया था इस वजह से हम लोगों ने शादी डिले की थी, ऐसे ना हाँ, शादी शादी करने वाले थे, पेट में दर्द पड़ गया, फिर शादी हम लोगों ने रोक दी है, फिर अब हाँ पिज्जा खाया था, पेट में दर्द हो गया था। आपको पता है हम गांव में रहने वाले हैं, जंक फूड खाते नहीं हैं हम, तो बस इस वजह से ऐसे ना। फिर आप क्या करेंगे फिर, अब पक्की बात करें फिर, बताओ फिर, मैं जो भी बात है यहाँ पे ना अब पक्की बात है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे घास वगैरह आप कटाई कर रहे हैं सारा, ठीक है, तो यहाँ पे तंबू कनाते लग जाएंगी, रोटी वाला सिस्टम इधर बना देंगे, ठीक है, हाँ ठीक है। क्या क्या हुआ है, मैं यार अब हमें कुछ शादी नहीं करने देता। वो कहता है मेरे पेट में दर्द था, शादी रोक दी थी, अभी जो है ना ये जगह मैंने कहा खाली हो गई, कहता है ठीक है इधर ही करते हैं। टमाटर लेने जा रहा हूँ, सब्जी लेने नहीं, वो टमाटर नहीं है, टमाटर लेने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, दिन को मैं सोया भी हूँ ना एक घंटा दो घंटे, असल में रात को मैं काफ़ी लेट सोया था जिसकी वजह से मुझे नींद आ रही थी, तो मैं सो गया था। अच्छा अभी भाभी लोगों ने ना पकोड़े बनाए हैं, तो वो थोड़े से पकोड़े खाए हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि वसीम भाई आपका ऑलरेडी बहुत प्यारा घर बना हुआ है, बहुत बड़ा घर बना हुआ है, तो आप न्यू घर किस लिए बनवा रहे हैं? आखिर क्या वजह होगी है कि आपने न्यू घर बनाने का सोचा है? तो मैं आप लोगों को वजह बताता हूँ कि वो
मिट्टी किस वजह से डलवाई है, उस पर क्या काम होना है इंशाल्लाह, वो सारी बातें मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। तो अभी आप कुछ बाहर जाके ना वो माहौल भी दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने क्या क्या करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये मिट्टी मैंने इस वजह से डलवाई है कि मुझे बहुत शौक है, शुरू से ना बहुत ज़्यादा शौक है फार्मिंग का। तो मैं यहाँ पे अपना फार्म बनवा रहा हूँ। आपको पता है कि अगर हम गांव में रहते हैं और ये काम ना करें तो उनका गांव में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा फार्म बनवाऊंगा, फार्मिंग का काम करना है मैंने, ठीक है, जानवरों का। तो इंशाल्लाह मैंने अभी ये मिट्टी डलवाई है, तो गंदम की जैसे ही कटाई होगी ना मैं सारा काम इसका फाइनल करवा दूँगा, उसके बाद जानवर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट करूँगा। तो ये तो आपको पता है कि जानवरों का काम बहुत बड़ा है, और लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला हेल्प करता है जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये स्टार्ट कराया है अभी, तो इंशाल्लाह इसे गंदम की कटाई तक फाइनल कराऊंगा, उसके बाद जानवरों का फार्म ये तैयार होगा। एक और बात का भी आप लोगों को जवाब देना था, वो भी ज़रूरी है। तो आप लोग कहते हैं कि वसीम भाई आपने ये गेस्ट रूम क्यों रुकवा दिया है? देखिए मैं अगर इतने पैसे वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ तो क्या इस पे मैं थोड़े से पैसे लगा के इसे नहीं बनवा सकता? अब मैं आपको बताता हूँ इसे क्यों नहीं बनवाया। काफ़ी मेरे प्यारे बहन भाई जो मुझसे रابطہ भी करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर, जो यूके में, अमेरिका में, तो काफ़ी लोग हैं कॉल करके बाकायदा मुझे बताया कि वसीम भाई ये बहुत बुरा लगेगा, आप इसको यहाँ से हटा दो। तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मैंने इसका काम रुकवा दिया और मैंने इसे आगे नहीं बनाया। तो अब मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ से ये तोड़ के, मिट्टी तो वैसे मैंने डलवाई है, तो ये जो दीवारें हैं ना, ये दीवार और ये दीवार, ये तोड़ दूंगा, ये सियान भी खुला हो जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे गाड़ी का भी मसला बनता है, गाड़ी अंदर आती है तो ये भी इशू है, तो गाड़ी भी अंदर इजली आ सकती है आसानी से। तो ये तोड़ के ना, ये दोनों दीवारें, ये दीवार जो है ना, ये वाली ये खड़ी रहेगी, ये वाली दीवार ये जैसे है ऐसे खड़ी रहेगी, ये दीवारें तोड़ के उस साइड पर लगाऊँगा और गेस्ट रूम उस साइड पर बन जाएगा। और यहाँ से एक डोर रख दूँगा यहाँ आने जाने का, और मेरा फार्म भी यहीं पे नज़दीक बनेगा, तो ये भी मेरे लिए मसला नहीं होगा कि यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, बाहर से भी जा सकता हूँ। तो ये मैंने इसलिए रुकवाया है कि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि वसीम भाई आपने अपने घर का जो नक्शा था ना, फ्रंट जो लुक थी उसका सत्यानाश कर दिया आपने, तो इस वजह से मैं रुक गया। बाकी और अंदर बजरी भी आई पड़ी है, सारा सामान पड़ा था, सिर्फ छत डलवानी थी तो मैं डलवा देता, लेकिन मैंने खुद नहीं डलवाई। तो इंशाल्लाह ये जो फार्मिंग वाला काम है, जो बंदा गांव में रहता है और ये काम ना करे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, मेरे अब्बू ने, मेरे भाई ने, सब लोगों ने, कि वसीम ये काम ठीक कर रहा है तो आपको ये काम करना चाहिए। तो अब्बू ने कहा कि ठीक है भाई आप करो। मैंने अब्बू को बोला कि ये आगे जो घास वाली ज़मीन है ना हमारी, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी मुझे दे दें, तकरीबन है कोई ये 20 मरले से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, मतलब एक कनाल से ज़्यादा होगी। तो ये जगह मैंने कवर की है और इस जगह पे इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा शेड बनवाऊंगा, फार्म बनवाऊंगा, ठीक है, और इसमें जानवर होंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये काम मैं ज़रूर करूंगा और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। तो आप लोगों को मैंने बताया इसलिए, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, तो काफ़ी लोगों ने ऐसे कमेंट किए कि वसीम भाई आप घर बनवा रहे हैं। मैं घर नहीं बनवा रहा, यहाँ पर इंशाल्लाह फार्म बनवाऊँगा और इंशाल्लाह ये गंदम की कटाई के बाद ये फाइनल हो जाएगा। और कमेंट भी होता है आप लोगों का बहुत ज़्यादा, स्लीप आई भी आ गए हैं कि वसीम भाई आप जॉब नहीं करते तो करते क्या है? मैं आपको बताऊं मज़ा उसी में है कि पैसे कमाओ और पता किसी कमाओ क्यों क्या है कि कहाँ से कमा रहे हो पैसे, और इतने कमाओ कि लोग कहें हराम कमा रहे हो क्या है? नहीं, मैंने कहा लोग कहते हैं वसीम काम कोई नहीं करता, पैसे इतने आते कहाँ से हैं? मैंने कहा लोगों को ये नहीं बताना कि कहाँ से आते हैं। ये आपने बात की है ना, ठीक है, पैसे तो अल्लाह पाक की ज़ात है। अच्छा, मैंने अब्बू को अपने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ से मैं अब्बू से ले लेता हूँ जब मेरा दिल करता है। और एक बात देखें, मेरे अब्बू हमें कोई बात से, किसी बात से मना नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करते हैं हर काम में। तो जब मैंने अब्बू को बोला ना कि मैंने फार्म बनाना है, तो अब्बू ने कहा जी बिस्मिल्लाह आप करो काम शुरू इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी देखें, मैं जहाँ से पैसे कमाता हूँ, जैसे मेरी सैलरी आती है, जो भी है, तो मैं अपने पास सिर्फ अपना खर्चा रखता हूँ, ठीक है, कि जो मेरी पॉकेट मनी है, ठीक है, वो रखता हूँ, बाकी मैं सारे पैसे अब्बू को दे देता हूँ। फिर जब मेरा दिल करता है मैं उनसे डबल भी ले लेता हूँ, ठीक है, मेरे अपने हैं, मैं
लूँ या ना लूँ, मुझे कभी अबू ने ये नहीं कहा कि आप पैसे ले रहे हैं, क्योंकि हम मतलब कि मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि मैं अपनी जेब में रख लूँ सारे पैसे मैं अबू को ना दूँ, तो ये गलत बात होती है। ये देखें वो अबू जो है हमारे, वो इतना मेहनत की है पहले, ठीक है, आप लोग हमारे हालात से वाकिफ नहीं है, शुरू से हमारे क्या हालात थे आज से 10 साल पहले, ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन अबू ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमारे जानवर थे, जैसे मुझे फार्मिंग का शौक़ है तो अबू को भी था, तो सारे हमारे जानवर मर गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था हमारा एक साल, ठीक है, तो उसके बाद हमारा कर्ज़ा भी हो गया, तो सलीम भाई का घर बना था तब, तो काफ़ी पैसे हम लोगों ने लगाए थे घर पर भी। तो आप लोग कहते हैं कि सलीम भाई का घर कम बना हुआ है, सलीम भाई का घर बहुत अच्छा बना हुआ है, जो लोग आजकल मरम्मतियाँ करवा रहे हैं ना, अगर ये सलीम भाई इस पर मरम्मती करवा के बनवाए तो उससे लाख इसे अच्छा होगा घर, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं, देखें आप लोग तो मतलब आइडिया लगा के बात कर देते हैं, लेकिन सबको ये बात पता नहीं होती कि इनके घर का निज़ाम क्या है। और देखिए अभी अम्मी कह रही थी कि मुझे शादी कर लो, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह, जो आप लोगों को थोड़े डाउट है ना वो भी इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। बाकी यार हर बंदे की अपनी मेहनत होती है, ठीक है, कोई किसी की जेब से नहीं निकाल लेता, ठीक है, हर बंदे की अपनी मेहनत होती है, कोई किसी को नहीं देता, आज के दौर में कोई इतना भोला नहीं है कि कोई किसी को दे दे, ठीक है, हर बंदा अपनी मेहनत करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपनी मेहनत की है, आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करते हैं, हमें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक बात और भी आप लोगों से शेयर करता हूँ, एक मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं ऐसा समझ लें, न्यूयॉर्क में अमेरिका में रहते हैं वो, तो वो यहीं के हैं, ठीक है, हमारे इलाके के, मतलब दुनियापुर वाली साइड पर, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, ज़फ़र भाई, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर काम में, ठीक है, कोई भी मुझे मुश्किल वक्त आती है तो मैं उनको कॉल करता हूँ, वो मुझे अच्छा मशवरा देते हैं, ठीक है, और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से वो सपोर्ट करते हैं मेरी। तो अभी भी ये मैंने जब डिसीजन लिया तो उनसे भी मैंने मशवरा किया था कि भाई साहब मैं ये काम कर रहा हूँ तो करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं आप करो, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो बस यही इखलाक प्यार होता है, देखें आप लोग इतना दूर बैठ के हमारे लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात होती है, आप लोग जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं हमारा दिल खुश हो जाता है, अभी हम लोग वीडियोस बना के अपलोड करते हैं तो दिल करता है कि हम और भी वीडियो बना के अपलोड करें। तो मैं इंशाल्लाह आने वाले जो व्लॉग आएंगे मैं कोशिश करूंगा, आप लोग कह रहे थे कि वसीम भाई आपने एक ही टॉपिक पे इतनी वीडियोस बना दी हैं, तो वो थोड़ा सा इशू बना हुआ था अम्मी की वजह से, चलो मैंने बना दी हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपने गाँव को दिखाऊँ, जो हमारी रियलिटी है वो दिखाऊँ, इंशाल्लाह वो दिखाता रहूँगा, आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। आज साग बना रहे हैं जी, ये देखें माशाल्लाह जी, मक्खन है अम्मी जान, हाँ मैंने तुमसे पूछा है, हैं इधर देखो मक्खन है, हाँ अच्छा भी साग बन रहा है जी, आय हाय क्या बात है, मक्खन दी मकाई दे कंदरा दा साग, मक्खन मकाई कंदरा दा साग। आप ही भी आ गई है, आप ही को 3-4 दिन में बुलाता रहूं, आपकी तबीयत खराब थी तो आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो, आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे हो आप, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो घर पे ना सब सफाई करवाई है, सफाई डेली होती है, आपने चक्कर नहीं लगाया ना, चमक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लोग कह रहे थे कि वसीम भाई आप नया घर बनवा रहे हैं, तो मेरा माशाल्लाह इतना प्यारा घर बना हुआ है जी, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है जी मैं बनवाऊं न्यू घर, और सब ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान भाई क्या हाल है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो तो वैसे ठीक है, और कुछ चाय शाय पी के आए या बनाऊं मैं, अभी पी लिए, आप उधर ले जाते हैं हम खुद जाते हैं, आप कुछ है, हाँ ये है इमरान भाई मुझे चाय पिलाते हैं खुद भी बना के, ठीक है, उधर बनाते हैं, हां आज ही जाना आपने हमारे घर, मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में, वो सानिया और अंदर की तबीयत सही नहीं है, उनको बुखार है दोनों को, ओए क्यों शोर कर रहे हो, ओए हैं चुप हो, तो मैंने आज बताया है कि मैं घर नहीं बनवा रहा, मैं बनवा रहा हूँ फार्म, तो उस पे ना हम इंशाल्लाह काम करेंगे, अभी साग के साथ रोटी खा लिया आप लोगों ने, चलते हैं उधर ही चाय पियेंगे, अमर को कहेंगे चाय बनाते हैं, अभी जो है ना चाय वाला सीन नहीं है, वैसे अम्मी जान चाय बनाएगी थोड़ी देर में, मैं गई हूँ अम्मी के पास कितनी देर बैठ गई हूँ, अम्मी को भी बुखार है आज, अम्मी की तो हाँ बिल्कुल मौसम चेंज हो गया ना वैसे इसलिए। अच्छा तो आज मेरा घर आपको थोड़ा चेंज लग रहा है ऐसे, हाँ ये देखिए माशाल्लाह सफाई कराई ना, बहुत प्यारा माशाल्लाह, मैं भी प्यारा हूँ मेरा घर भी प्यारा है।
आप तो प्यारे नहीं हो। हाँ मैं नहीं हूँ प्यारा, बाकी नहीं हूँ, घर बहुत प्यारा है माशाल्लाह। वो तो जो आप लड़की पसंद कर रहे हैं ना, वो कहेगी कि आप प्यारे हो या नहीं। उसे पता होगा मैंने पसंद की नहीं है, उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। काम चेक करे भाई, इधर तो काम बाप लगा, चलो आए चले घर चले, हम इधर आके उल्टी सीधी बातें कर रही है। अच्छा वो सुबह सुबह ना उठा है ना, ये क्या नाम है उसको, उस्मान, वो भी कह रहा था ठीक है, मुझे कहता है चाची की तरफ छुपाई हुई, मैंने कहा चाची की तरफ आ गई है। हाँ इसलिए कहते हैं ना सारे गपशप लग जाते हैं ना बैठ के, तो ना फिर उनको समझ आ जाती है बच्चों को भी। हाँ आराम है, हाँ आराम है। चले जो उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।